दोस्तों गदर 2 एक ऐसी मूवी थी जिसका सीक्वल 22 सालों के बाद बनाया गया था, जिसमें ऑलमोस्ट सभी पुराने कैरेक्टर्स को रिटेन किया गया था इस फिल्म में। और फिल्म की जबरदस्त सक्सेस और बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से भी ज्यादा के कलेक्शन ने एक बार फिर से प्रोड्यूसर्स के बीच फिल्मों के सीक्वल बनाने का चलन फिर से पॉपुलर कर दिया है। वहीं गदर 2 के बाद शाहरुख खान की फिल्म पठान के सीक्वल की भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट काफी पहले ही खुद इस फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने कर दिया था, जबकि वायरफ ने एक कदम आगे बढ़कर एक स्पाई यूनिवर्स तैयार कर डाला था जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान और ऋतिक रोशन के किरदार आपस में एक दूसरे की फिल्मों की स्टोरीज से कनेक्टेड रहेंगे, कुछ कुछ मार्वल कॉमिक्स की फिल्मों जैसे। अब अक्टूबर में टाइगर 3 आ रही है जिसमें पठान टाइगर की जोड़ी के दीदार एक बार फिर से फैंस को पठान के बाद देखने को मिलने वाला है। वहीं इसके बाद ऋतिक रोशन की वॉर 2 भी लाइंड अप है जिसमें शायद सलमान खान या शाहरुख खान का भी 100% एक कैमियो होने वाला है, वरना इस स्पाई यूनिवर्स को बनाने का फायदा ही क्या होगा वायरफ का। लेकिन फिलहाल देश में जवान छाया हुआ है। डायरेक्टर एटली की यह फिल्म इस साल की सबसे ज्यादा हाइप्ड मूवी थी जिसने अपने रिलीज के बाद फैंस और क्रिटिक्स दोनों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स ग्रैब किए और बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने उम्मीद के मुताबिक रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन किया। लेकिन फिल्म की दमदार स्टोरी ने दर्शकों का दिल सबसे ज्यादा जीता इस फिल्म से। अभी फिल्म जस्ट रिलीज ही हुई है कि फिल्म को देखकर आई ऑडियंस के बीच इस फिल्म के सीक्वल की भी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने लगी है। अब आप मेरी वीडियो को देखते होंगे तो मैंने महीनों पहले ये वीडियो बनाया था कि जवान के सीक्वल का भी आइडिया एटली ने पहले से ही प्लान किया हुआ है। अब एक बड़े मीडिया हाउस ने ये न्यूज पब्लिश कर दी है कि जवान के सीक्वल पर काम चालू कर दिया गया है। डायरेक्टर एटली ने अपने राइटर्स को फिल्म की स्क्रिप्ट को तैयार करने की जिम्मेदारी दे दी है और राइटर्स ने फिल्म पर काम भी चालू कर दिया है, क्योंकि देखो शाहरुख खान भी बूढ़े होते जा रहे हैं और फिलहाल उनके जितनी पॉपुलैरिटी इस टाइम किसी भी स्टार की नहीं है। अगर फिल्म की हाइप को बरकरार रखना है और शाहरुख खान की करंट पॉपुलैरिटी को ठीक टाइम पर भुनाना है तो इस फिल्म के सीक्वल को जल्द से जल्द लाना पड़ेगा दर्शकों के बीच। तो हो सकता है अगले 2 या 3 साल के अंदर इस फिल्म को शेप में ले आया जाए, जिसका हिंट डायरेक्टर एटली और शाहरुख खान भी देते आ रहे हैं बार बार। ये दोनों एक ही चीज बोलते आ रहे हैं काफी लंबे समय से कि ये तो अभी शुरुआत है। हालांकि 2-3 साल पहले ही इनसाइडर से एक न्यूज ये भी आई थी कि एटली ने शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के साथ 3 फिल्में बनाने की डील की है, जो कि अब मुझे सच लग रहा है। खैर खबरें ये है कि जवान 2 जवान से भी ज्यादा ग्रैंड स्केल पर बनाई जाएगी। फिल्म की स्टोरी को डेवलप करने में अभी 1 साल का लंबा समय लगने वाला है। वहीं जवान और डंकी के बाद शाहरुख खान वायरफ की टाइगर वर्सेस पठान और उनकी बेटी सुहाना खान के साथ अगली फिल्म में काम करने वाले हैं। इसी के साथ ही आशुतोष गवारीकर के साथ एक फिल्म पर शाहरुख खान काम कर रहे हैं जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी जल्द किया जा सकता है। गाइज अगर ये न्यूज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी खबरें सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।